Hello everyone, welcome to the online platform of Donors. So today what we are going to do is the next part of coding and decoding. ठीक है? So previously what we have done? Previously we have done four topics. First one was basic. Second one was Chinese coding decoding. Third one was condition based, and today is the fourth topic, that is mixed varieties. ठीक है? So we have done the basic Chinese condition. So today we will do about the next part, that is the mixed varieties of coding and decoding. ठीक है? चलो, we can start now. चलो, ठीक है. Let's start. Okay. So, अच्छा, before starting, I'm just saying in mixed varieties, there are topics like mains. Then we have Chinese coding, but a higher level. ठीक है? Then we have alpha number coding decoding. These are the types of mixed varieties which we see in mains. ठीक है? चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि at the rate क्या दिया हुआ है? एट द रेट क्या दिया हुआ है? इज आइदर आवर हैंड, मतलब घड़ी का काटा का छोटा हाथ, या मिनट हैंड बड़ा हाथ. ठीक है? इज एट टू. सो लेट्स राइट हियर आवर एंड मिनट्स. ठीक है? इफ इट इज एट द रेट देन इट शुड बी टू, बट इन मिनट्स वी नो इट इज 10. ठीक है ना? अब अगर प्लस होगा, प्लस में क्या है, आवर हैंड कहां पे है? पांच पे है, तो पांच बज रहा होगा. बट अगर मिनट में होगा तो क्या होगा? 25 मिनट हुआ होगा. सिमिलरली अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो क्या है, आवर हैंड कहां पे होगा? तीन पे. चलो ठीक है, तीन पे. बट अगर मिनट हैंड पे हुआ तो कितना में होगा? 15. ठीक है ना? जैसे ये मीटर है. ठीक है? आप लोगों को पता है ये घड़ी है, घड़ी का यहाँ पे कितना बचेगा? ऑब्वियसली 15 मिनट ही बचेगा, या 3 आवर बचेगा. अगर ऐसे रहा तो कितना बज रहा है? 3. बट अगर सिमिलरली ऐसे हुआ, तो कितना बज रहा है? 3:15 बज रहा होगा ना, 3:15. तो दोनों, तो आवर हैंड और मिनट हैंड कहाँ पे? 3 पे है. तो घंटे के हिसाब से 3 बज रहा होगा और मिनट के हिसाब से 15 मिनट हुआ होगा. ठीक है? समझ में आया? चलो ठीक है. फिर क्या बोल रहे? फिर बोल रहे लेस देन साइन. लेस देन साइन का मतलब क्या है? आवर हैंड कहां पे है? क्या 4? तो ठीक है, 4 बज रहा होगा. पर अगर मिनट हैंड हुआ होगा तो 4 मतलब कितना? 20 मिनट. सिमिलरली अगर ग्रेटर देन साइन हुआ तो आवर हैंड कहां पे होगा? 12 बज रहा होगा. चलो ठीक है, 12 बज रहा है. और अगर मिनट हैंड हुआ होगा तो कितना? 60 मिनट्स. ठीक है ना? और एस्ट्रिक साइन अगर हुआ होगा तो आवर हैंड कहां पे होगा? 8 बज रहा होगा. और टाइम कितना और मिनट कितना होगा? 40 मिनट हुआ होगा. ठीक है? होप सब लोगों को समझ में आया कि अगर एट द रेट हुआ तो 2 बज रहा होगा या फिर 10 मिनट, प्लस हुआ होगा तो 5 मिनट या 5 घंटा या 25 मिनट, क्वेश्चन मार्क होगा तो 3 घंटा या फिर 15 मिनट, ये और का आसान है. ठीक है? मतलब या फिर. ठीक है, समझ में आया? फिर यहाँ पे नोट बोला है. नोट क्या बोला है? अगर दो सिंबल हुआ, इफ टू सिंबल आर गिवन, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट सिंबल इज कंसिडर्ड एज द आवर हैंड एंड द सेकेंड वन इज कंसिडर्ड एज मिनट हैंड. ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर
यहाँ पे बोल रहा है अगर मेरे पास एट द रेट और ग्रेटर देन साइन हुआ, तो एट द रेट का मतलब यहाँ पे बोला है कंसिडर द आवर हैंड फर्स्ट सिंबल डिफॉल्ट हो जाएगा, तो मतलब ऑटोमेटिकली ये होगा हम लोग का आवर और ये होगा हम लोग का मिनट। तो एट द रेट मतलब क्या, दो दो बजकर और ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या है 60, तो दो घंटा 60 मिनट, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हम लोग, तीन बज रहा होगा, मतलब 3 o'clock हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा 3 o'clock बज रहा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देंगे ऐसा और प्लस साइन, तो मतलब इसको क्या पढ़ेंगे घंटा का और इसको क्या पढ़ेंगे मिनट का, तो कितना बज रहा है 8 और प्लस साइन मतलब कितना ये, तो मतलब कितना 8:25। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन डी, एक ट्रेन है जिसका नाम डी है, विच ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड में जो 10 meter a second, मतलब एक ट्रेन डी है जिसका स्पीड 10 meter per second है, ठीक है, लीव्स आगरा फॉर लखनऊ, चलो ठीक है, मतलब आगरा से लखनऊ जा रहा है, चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एट इतना मतलब एट द रेट और लेस देन साइन, तो एट द रेट मतलब क्या था दो, चलो ठीक है, और लेस देन साइन मतलब क्या था 20, तो मतलब डी कितना बजे छोड़ा है एट द रेट और लेस देन मतलब 2:20 पर छोड़ा है, मतलब डी जो ट्रेन है आगरा से जो लखनऊ निकला है वो कितना बजे निकला है 2:20 पे निकला है, कोई डाउट है इसमें, चलो ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड, एंड क्या बोला है, ट्रेन एफ ट्रेवल्स फ्रॉम ट्रेवल्स टू आगरा फ्रॉम लखनऊ एंड स्टार्टेड एट जर्नी और इतना, और एक ट्रेन आ गया जिसका नाम है एफ, वो कितना बजे छूटे एट द रेट और इतना, ठीक है, तो एट द रेट मतलब क्या था, एट द रेट मतलब दो और एस्ट्रेक का मतलब ये, तो मतलब 2:40 पे, चलो ठीक है, कितना बजे छोड़ा है 2:40 पे, कोई डाउट, चलो नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, ट्रेन एफ ट्रेवल्स 1/3 फास्टर देन ट्रेन डी, तो मतलब ट्रेन डी का जो स्पीड है उससे 1/3 ज्यादा है एफ का, तो मतलब अगर डी का स्पीड 10 है तो उसका 1/3 मतलब कितना, आप लोगों को पता है 1/3 का मतलब ये इसका प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा एफ का स्पीड कितना हो जाएगा 10 × 4/3, तो इसका मतलब कितना 40/3 meter per second, ठीक है, तो हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, तो एफ का जो स्पीड है कितना है 40/3 meter per second, चलो ठीक, चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सो एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन मीच अदर इफ द डिस्टेंस बिटवीन आगरा और लखनऊ का जो डिस्टेंस है, हमें बोल दिया कितना है 138 किलोमीटर बोल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, चलो। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अब देखो डी जो है 2:20 पे निकले, एफ जो है 2:40 पे निकले, तो इसका मतलब इन लोगों का गैप कितना है 20 मिनट का गैप है, 20 मिनट का गैप है, चलो ठीक है, तो 20 मिनट का गैप के हिसाब से कितना होगा, ऑब्वियसली डी जो है 20 मिनट ज्यादा चला है, तो या तो हम लोगों को डी से एफ इक्वल करना पड़ेगा टाइम को, या एफ से डी इक्वल करना पड़ेगा टाइम को, तो 20 मिनट ज्यादा चला है डी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे एफ के समान लेके आएंगे, एफ को समान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए डी का स्पीड कितना था 10, इसको हम लोग ये मीटर पर सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर है
इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में निकालेंगे स्पीड को। तो आप लोगों को पता है स्पीड का किलोमीटर कैसे निकालना पड़ेगा, 18/5 निकालना पड़ेगा। तो डी का किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा, तो काटने के बाद कितना होगा, डी का स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली एफ का स्पीड कितना होगा, कितना दिया है 40/3, उसका 18/5, ये कटा, ये कटा 6, 48। तो डी का स्पीड कितना हो गया, तो हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो डी का स्पीड हो गया 36 किलोमीटर पर आवर और एफ का स्पीड हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, कि डी 2:20 निकला है और एफ 2:40 में निकला है, मतलब डी जो है 20 मिनट ज्यादा चला है। तो ठीक है, डी को 20 मिनट ज्यादा चला देते हैं, तो कैसे चलाना पड़ेगा, तो 36 × 20 मिनट चला है, तो 20/60 ये मिनट है, तो ये कटा, ये कटा 3, ये कटा 12, तो मतलब डी 20 मिनट पे कितना चल गया, 12 किलोमीटर चल गया। डी कितना चल गया 20 मिनट पे, 12 किलोमीटर चल गया। टोटल कितना था, 138, तो ठीक है 138 से 12 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 126 किलोमीटर। और दूरी तय करना पड़ेगा किसको, डी को और एफ दोनों को। अब देखो, अब दिख रहा होगा, देखो डी भी 2:40 पे आ गया, एफ भी 2:40 पे आ गया। कोई डाउट है इस पे, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब अब रिमेनिंग कितना किलोमीटर चलना है दोनों को, 126 चलना है। हम लोगों को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड कितना था हम लोगों का, 36 और 48, चलो लिख देते हैं 36 + 48। डिस्टेंस कितना बच गया था हम लोग के पास, 126 किलोमीटर। टाइम हमको पता नहीं है, निकालेंगे, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6, 12, 14 और 1, 8, 84। 126/t, तो t का वैल्यू कितना आएगा, 126/84। चलो डिवाइड करते हैं, 2 से काटते हैं 42, 2 से काटते हैं 63, 7 × 9 = 7, 6 × 3 = 2, 3 × 3, तो टाइम कितना आ गया, 3/2। टाइम कितना आ गया मेरे पास, 3/2, इसको हम लिख सकते हैं ना, 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था एट व्हाट टाइम, देखिए एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन मीट ईच अदर, ठीक है। हम लोग हम लोग के पास कितना आया, 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट के बाद डी और एफ आपस में मिल जाएंगे। मेरे पास कितना टाइम था, 2 घंटा 40 मिनट टाइम था हम लोग के पास। चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं, चलो कितना था, 2:40 पे सिमिलर था, तो चलो 2:40 प्लस 1 घंटा 30 मिनट मिलके कितना हो जाएगा, ये 70 और ये 3, हम लोग को पता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ से 60 को हटा देंगे, 1 को यहाँ ऐड कर देंगे, तो कितना बचेगा, 4:10 पे, 4:10 पे डी और एफ मीट करेंगे। तो एट 4:10 डी और एफ क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4:10, अब देखो 4 मतलब क्या था हम लोग के पास, ग्रेटर देन साइन, चलो तो मतलब ग्रेटर देन साइन आएगा। और 10 मिनट, 10 कब होगा, ये 10 यहाँ पे मतलब एट द रेट, तो मतलब ग्रेटर देन और एट द रेट, कहाँ पे ग्रेटर देन और एट द रेट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हम लोग का करेक्ट आंसर है, अब आप लोग को लग रहा है इतना लंबा, जी हाँ ये इतना लंबा ही जाता है, मेंस का क्वेश्चन लंबा ही जाएगा। ठीक है देख लीजिए और एक बार,
चलो नेक्स्ट में चलते तो फिर, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इस बार पिछली बार क्या था, आवर और मिनट्स पे था, इस बार क्या है मिनट्स और सेकंड्स पे, इस बार किस पे है मिनट्स और सेकंड्स पे, ठीक है चलो लिख लेते हैं यहाँ पे आवर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मिनट्स, यहाँ पे हो जाएगा सेकंड्स, ठीक है चलो। क्या दिया हुआ है एट द रेट, एट द रेट मतलब 13 मिनट या 13 सेकंड्स, यहाँ पे भी 32 मिनट या 32 सेकंड, यहाँ पे भी एट द रेट मतलब 35 मिनट या फिर 35 सेकंड, डॉलर मतलब क्या 48 मिनट या 48 सेकंड, ग्रेटर देन मतलब 27 मिनट या 27 सेकंड, हैश मतलब 55 मिनट या 55 सेकंड, और परसेंटेज मतलब या तो 40 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। फिर क्या बोला है नोट, नोट क्या बोला है, इफ टू सिंबल्स आर गिवन फर्स्ट सिंबल इज मिनट, तो सिमिलरली वही एक और एग्जांपल लेते, अगर एट द रेट और हैशटैग दिया होगा तो हम लोग आंसर कितना आएगा 13 मिनट्स 55 सेकंड्स, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को, चलो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन एन एग्जामिनेशन हॉल मैक्सिमम एग्जाम टाइम वाज, चलो ठीक है मैक्सिमम एग्जाम टाइम बोल दिया किसका, हैशटैग, एक एग्जाम हो रहा है उसका मैक्सिमम टाइम, तो लिख लेते हैं मैक्सिमम टाइम, हैशटैग, हैशटैग मतलब कितना था 55, ऑब्वियसली 55 सेकेंड तो होने से रहा, और यहाँ पे बोल भी दिया है 55 मिनट, तो मैक्स मिनट कितना था 55 मिनट्स था एक एग्जाम टाइम का, चलो ठीक है। एंड अ स्टूडेंट एक्स, एक स्टूडेंट है एक्स, हिज एग्जाम कंप्यूटर एग्जाम एग्जैक्टली, वो अपने एग्जाम कब खत्म किया डॉलर और परसेंटेज में, चलो ठीक है डॉलर मतलब क्या था 48 और परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 40, तो एक्स कब खत्म किया 48 मिनट्स 40 सेकेंड्स में, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्या बोला, एंड द स्टूडेंट आर हु फिनिश्ड फर्स्ट टुक इतना, और स्टूडेंट आर जो है जो पहले खत्म किया वो कितना लिया है एंड और एट द रेट, चलो ठीक है एंड मतलब क्या था 35 मिनट और एट द रेट मतलब 13 सेकंड, तो मतलब आर जो किया किया है आर किया है 35 मिनट और 13 सेकंड में, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे, सो व्हाट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड आर, तो यहाँ पे बोला है एक्स और आर का डिफरेंस निकालना है, तो बस माइनस कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13, तो एक्स और आर का डिफरेंस कितना है 13 मिनट 27 सेकंड, तो 13 मिनट 27 सेकंड कहाँ पे, 13 निकालते हैं, 13 कहाँ पे एट द रेट और 27 कहाँ पे यहाँ पे, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा एट द रेट ये, तो आंसर कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, देख लो। ठीक है चलो नेक्स्ट, अच्छा तो ये हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, इसको क्या बोलेंगे कंडीशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, पर ये मेंस का है ठीक है। चलो ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वावल, चलो वावल से अगर शुरू हुआ एंड एंड्स विद अ कंसोनेंट, और एक कंसोनेंट से जो एंड हुआ, तो कोड फॉर फर्स्ट और सेकंड लास्ट, देखिए यहाँ अच्छा से पढ़िएगा क्या बोला है, सेकेंड लास्ट बोला है नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट ठीक है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट इंटरचेंज, ठीक है चलो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन बोला है इफ थर्ड और सिक्स्थ लेटर वावेल हुआ, चलो ठीक है लिख लेते हैं थर्ड एंड सिक्स्थ,
वाउवेल. देन चेंज ऑफ द देन चेंज द कोड ऑफ लेटर एज सच पोजिशन विद द लेटर जस्ट नेक्स्ट टू देम इन द गिवन टेबल. तो मतलब ये दो तीन और जो छठा जो होगा अगर वो वाउवेल हुआ तो उसका उसके बाद जो वैल्यूज है. ठीक है, अच्छा चलो वो पर क्वेश्चन में आएगा तो समझा देंगे, या फिर आप एक एग्जांपल ले लो. फॉर एग्जांपल एम आई यू एन डी ई एल. ठीक है, हम सेकेंड कंडीशन समझा रहे हैं. ठीक है, थर्ड और सिक्स लेटर वाउवेल हुआ. देखिए थर्ड और सिक्स वाउवेल है. Then change the code of letter at such position with the letter just next to them in the given table. तो इसका मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं M का value क्या है? At the rate. I का value क्या है? 9. U का value क्या था? Star. N का value क्या है? D का value क्या है? E का value है 0. और L का value है 8. ठीक है? अगर condition नहीं होता तो मेरा ये answer होता. But कंडीशन दिया हुआ है चेंज द कोड ऑफ लेटर एट सच पोजिशन विद द लेटर जस्ट नेक्स्ट टू देम. उसके बाद जो भी लेटर जो भी सिंबल है उसका ऑटोमेटिकली वो आंसर हो जाएगा. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? एट द रेट नाइन सेम टू से ये इसका जो वैल्यू वो कोड यहां आ जाएगा. ये और ये दोनों सेम हो जाएगा. ये और ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा. ही होगा आपका आंसर. सेकेंड कंडीशन का मतलब होता है ये कि अगर थर्ड और सिक्स अगर लेटर वाउवेल हुआ तो उसका जो नेक्स्ट लेटर है उसका ही कोड सेम टू सेम थर्ड और सिक्स में बिठाया जाएगा. ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं इफ द वर्ड हैज नॉट लेस देन थ्री वाउवेल. अब कोई भी एक वर्ड है, चलो इसी वर्ड को लेते हैं, फिर लिखते हैं एम आई यू एन डी ई एल. क्या बोला है? इफ द वर्ड हैज नॉट लेस देन थ्री वाउवेल्स. अगर ये वर्ड में तीन से कम वाउवेल नहीं हुआ देन रिप्लेस द कोड ऑल द वाउवेल्स विथ फाइव. तो अगर तीन से कम वाउवेल नहीं हुआ तो वो वाउवेल का कोड क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा. वो वाउवेल का कोड हो जाएगा फाइव. तो हम लोग यहाँ पे गिनते हैं. चलो वाउवेल्स कितना दिख रहा है? एक दो तीन. तीन है, तीन से कम तो नहीं है. तो इसका मतलब एम का कोड क्या है? एट द रेट. आई का कोड क्या है? नाइन. इसका स्टार, एन का स्लैश, इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका जीरो, इसका एट. अब कंडीशन तो सेकेंड और इसमें होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए? एट द रेट नाइन स्लैश स्लैश एक्सक्लेमेटरी एट एट. बट ये भी तीन वॉवेल था, ये इसका कोड था. ये जो कोड होगा, ये जो कोड होगा और ये जो कोड होगा किस में चेंज जाएगा? फाइव पे. तो मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा? एट द रेट फाइव फाइव स्लैश एट द रेट फाइव फाइव स्लैश एक्सक्लेमेटरी फाइव एट. ये हो जाएगा हम लोग का आंसर. क्यों होगा? देखो पहला सेकंड कंडीशन तो मैच किया. सेकंड कंडीशन की तरफ से ये आंसर आना चाहिए था. बट थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? तीन वावल से कम होना चाहिए. बट यहाँ पे तो तीन वावल दिख रहे हैं हम लोग को. देखिए एक दो तीन, और वो वावल किस में चेंज हो जाएगा? फाइव पे. तो देखिए आई का वैल्यू फाइव हो गया, यू का वैल्यू भी फाइव हो गया, ई का वैल्यू भी फाइव हो गया. तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा. ठीक है, समझ में तो आया होगा. चलो चलो क्वेश्चन देखते हैं. तो नोट पे यहां पे बोल दिया है कि इफ मोर देन वन कंडीशन एप्लीकेबल टू सिंगल वर्ड देन अप्लाई द कंडीशन एज पर असेंडिंग ऑर्डर. तो मतलब ऊपर से नीचे, हम लोग नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे. ठीक है ना? तो चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मिटा दिए. चलो मिटा देते हैं.
क्या बोले इक्वली, चलो लिख लेते हैं इक्वली, चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा था, अगर फर्स्ट वाउल हुआ और एंड कॉन्सोनेंट हुआ तो दोनों का फर्स्ट और सेकंड लास्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा, पहला वाउल जी बिल्कुल है, लास्ट कॉन्सोनेंट जी बिल्कुल है, इसका मतलब ये इसका कोड और इसका कोड क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये कोड और ये कोड इंटरचेंज होगा। तो एल का कोड क्या था मेरे पास, एल का कोड था 8, तो ऑटोमेटिकली इसका और इसका चेंज, मतलब ई के जगह में 8 लिखेंगे, और ई का कोड क्या था 0, तो 0 को यहां लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर क्या करेंगे, जो कोड है उसको लिख लेंगे। तो क्यू का कोड क्या है 7, यू का कोड क्या है स्टार, ए का कोड क्या है 3, एल का कोड क्या है 8, और वाई का कोड क्या है परसेंटेज। कोई चलो कोई दिक्कत है इसमें, चलो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा था, थर्ड और सिक्स अगर वाउल है, चलो देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाउल है जी बिल्कुल है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाउल है नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर तीन से कम वाउल है कि नहीं, चलो गिन लेते हैं, यहाँ पे एक वाउल, यहाँ पे एक वाउल, यहाँ पे एक वाउल, तो मतलब तीन से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब इन तीनों का कोड क्या हो जाएगा, चेंज हो के कितना क्या हो जाएगा, चेंज हो के 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। चलो लिख लेते, तो फिर ई के जगह में क्या बैठेंगे 5, 7, इसके जगह में क्या बैठेंगे 5, इसके जगह में क्या बैठेंगे 5, फिर एज इट इज जो है वो बिठा देंगे, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा 575580 परसेंटेज कहाँ पे 5575580 ऑप्शन नंबर सी। देख लो ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्कर हार्ड स्टे हम्बल का कुछ कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, आप लोग क्या बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, ठीक है ना, ये हम लोग सेकेंड क्लास पे कहते हैं, कब कहते हैं सेकेंड क्लास पे, ठीक है, पढ़िए हाई लेवल है, मतलब मेंस का बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। चलो तो यहाँ पे क्या बोला, वर्कर हार्ड स्टे हम्बल का कुछ कोड दिया हुआ है, फेथ कैन कुछ कोड दिया हुआ है, थिंक ये वर्ड का, ये सेंटेंस का कुछ कोड, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग किसका कोड चाहिए, ऑनलाइन, देखो तो कहीं पे ऑनलाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग को सबका कोड अलग अलग निकालना पड़ेगा, हम लोग को सबका कोड अलग अलग क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है निकालते हैं, चलो चलो ठीक है देखते हैं। हम लोग पहले इस, अगर ऐसा कोडिंग डिकोडिंग आता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या निकल रहा है, कॉमन इन द सेंस आप लोगों का क्या देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, सिंबल्स देखेंगे, लेटर्स भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग पहले सिंबल्स का देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर है, चलो फिर यहाँ पे डॉलर है, फिर यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर नहीं है, तो इसका मतलब डॉलर का कोड ऑब्वियसली ये तीनों में कहीं पे होगा, कहीं पे छुपा हुआ होगा, यहाँ पे दो डॉलर है, यहाँ पे एक डॉलर है, यहाँ पे भी एक डॉलर है, तो देखिए तो ये डॉलर का कुछ कॉमन निकल रहा है क्या इसमें से। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 लेटर्स है, यहाँ पे भी 6 लेटर्स है, यहाँ पे 4 लेटर है, यहाँ पे भी 4 लेटर है, कुछ कॉमन तो निकला नहीं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं डॉलर, और अच्छा फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 6 लेटर्स है, फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 4 लेटर है,
अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे देखते फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, देखिए 4 कुछ कॉमन निकला जी, बिल्कुल कॉमन निकला। देखिए यहाँ पे 6 लेटर नहीं है, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो इसका मतलब डॉलर जो निकला है, डॉलर जो निकला है अगर 4 लेटर हुआ, डॉलर जो निकला है अगर 4 लेटर हुआ तो डॉलर आएगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए एट द रेट, यहाँ पे भी एट द रेट, यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6, और एट द रेट कहाँ पे, यहाँ पे एट द रेट है, कहीं पे 6 दिख रहा है जी, हाँ बिल्कुल यहाँ पे 6 है, और एट द रेट कहीं पे है जी, देखिए यहाँ पे भी एट द रेट, यहाँ पे भी एट द रेट, 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे भी 6, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 6, तो मतलब एट द रेट कैसे आया अगर 6 लेटर हुआ तो मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले सिंबल्स निकाल रहे हैं उसके बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, कुछ और देखते हैं, देखिए परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे भी परसेंटेज, कॉमन कुछ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, अच्छा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे भी 3 है, 5 दिख रहा है क्या इस दो, यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो परसेंटेज आया, क्या आया, परसेंटेज कैसे आया अगर 3 लेटर हुआ तो, परसेंटेज खत्म। और बचा क्या, यहाँ पे एक हैशटैग बचा है, यहाँ पे हैशटैग बचा है, यहाँ पे भी हैशटैग बचा है, देखिए 2 हैशटैग है, देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और कहीं 5 नहीं दिख रहा, इसका मतलब हैशटैग का कोड कैसे आया अगर 5 लेटर हुआ तो। और लास्ट में बचा क्या, एंड, लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा एंड, तो एंड कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 अगर 7 लेटर हुआ तो। हम लोग सिंबल का क्रैक, हम लोग सिंबल का कोड क्रैक कर दिए, कैसे क्रैक किए, अगर 4 लेटर हुआ तो डॉलर, 6 लीटर हुआ तो एट द रेट, 3 लीटर हुआ तो परसेंटेज, 5 लीटर हुआ तो हैश, 7 लीटर हुआ तो एंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, चलो ये मिटाते। तो फिर अब निकालते हैं नंबर, आप क्या निकालेंगे, निकालते हैं नंबर, नंबर ठीक है, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, अच्छा अच्छा ये जो डॉलर और डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, 4 लीटर का, अच्छा ठीक है, चलो 4 लीटर का, ये और ये आएगा, अच्छा 3 दोनों में कॉमन है, कुछ दिख रहे हैं इसमें से आप लोगों को, अच्छा अगर हम लोग वावल्स को काट दें, 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, अच्छा अगर हम लोग दूसरा को देखें, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग चलो फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं, यहाँ पे भी एक वावल, यहाँ पे भी एक वावल, 1 2 3 4, 4 आ गया, अच्छा एक दो देखते, चलो नेक्स्ट इसको करते हैं, परसेंटेज मतलब क्या था, 3 लीटर, 3 लीटर कहां पे, यहां पे है,
दो है। अच्छा अगर हम लोग एक वॉवल हटा दे तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो नंबर कैसे आया, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो नंबर का कोड कैसे निकल गया हम लोग के पास, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड। ठीक है, तो नंबर कैसे निकला, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड। अब निकालेंगे लेटर, अब क्या निकालेंगे लेटर, क्योंकि यहां पे भी लेटर्स है ना, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर कैसे आया। ठीक, चलो ठीक है, अब लेटर निकालेंगे लेटर। चलो लेटर निकालते हैं। अच्छा हम लोग ऐसा कुछ निकालेंगे जो इजी पड़ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए तो सिर्फ इसका कोड क्या था मेरे पास, परसेंटेज मतलब तीन लेटर है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे एक ही तीन लेटर है, ये निकालने में आसानी होगा। ठीक है, कोड क्या है, ओ है। अब अगर हम वो लिख ले आपका छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें ओ, अगर हम लोग देखें एन, एन प्लस वन क्या होता है, एन के बाद क्या होता है, ओ आता है। ठीक है, जस्ट फॉर नाउ अभी के लिए। और यहां पे एक दो पांच, यहां पे अच्छा यहां पे चार है, चार का कोड क्या था मेरे पास, डॉलर, डॉलर मतलब ये आया डी, फिर क्या देखते अगर डी अगर हम करेंगे तो ई, ई माइनस वन डी आता है। अच्छा छ का क्या है, एट द रेट, छ का क्या है, एट द रेट है, यहां पे छह से बीस क्या देखिए, तो ई का कोड ई माइनस वन डी। अच्छा तो अब समझ में क्या, आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट लेटर If odd, odd बोल रहा sorry, if consonant, then plus one, or last letter, if vowel, then minus one, देख लीजिए कुछ और देखेंगे, देखिए जैसे ऐसी ये फेथ एच, फाइव, फाइव का मतलब क्या, हैशटैग, हैशटैग यहाँ पे एच, लास्ट क्या था एच, एच प्लस वन आई, देखिए कंफर्म हो गया। तो अब तो निकल लिए, देखिए सिंबल भी निकल गया मेरे पास, नंबर भी निकल गया कैसे आया, लेटर भी कैसे आया निकल गया मेरे पास। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑनलाइन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन लाइन। ठीक है, तो पहले क्या है, नंबर आएगा, नंबर, नंबर कैसे आया था, नंबर कैसे आया था, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, कितना कॉन्सोनेंट है, एक दो तीन, कितना कॉन्सोनेंट है, तीन। फिर हम लोग क्या निकाल, फिर क्या है, लेटर। ठीक है, लेटर कैसे आया था, लास्ट लेटर If consonant, पर last letter में क्या है, vowel है, vowel हो तो minus one, तो e minus one क्या होगा, d, और फिर क्या आएगा, symbol, कितना two है, एक दो तीन चार पांच छः, छः मतलब at the rate, तो answer क्या होगा, 3d at the rate, answer क्या है, option A, 3d at the rate। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या है रैंप, क्या दिया हुआ है, रैंप। चलो कितना कॉन्सोनेंट है, एक दो तीन, तो मतलब थ्री। फिर क्या है, लेटर पी के है, कॉन्सोनेंट प्लस वन पी क्यू, और कितना कोड है, एक दो तीन चार, चार का क्या था, चार का था डॉलर, तो 3Q डॉलर, तो आंसर क्या है, 3Q डॉलर,
आंसर, ठीक है। सी आप लोग घर पे करिएगा, होमवर्क है, सेम ही होगा, ठीक है ना, घर पे कर लीजिएगा होमवर्क, ठीक। देख लीजिए क्या क्या किए हैं, कैसे किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। तो फिर चलो नेक्स्ट, सेम एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका कोड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, इंडिया, कहीं पे इंडिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम लोगों को सारा का कोड निकालना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबका कोड निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है। अच्छा अगर हम लोग स्टार्टिंग करें, चलो पहला से स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, नाइफ। अच्छा अगर हम लोग देखें, ये वर्ड और ये वर्ड सिर्फ के से स्टार्ट होते हैं, और कहीं पे के है, नहीं है, ठीक है, चलो के लिख लेते हैं, के। अब इसमें से कोई एक वर्ड के में आएगा। अच्छा अगर हम लोग के, के का ऑपोजिट क्या होता है, के का ऑपोजिट क्या होता है बताओ, पी होता है ना, हम लोग का पी दिख रहा है कहीं पे, जी हाँ देखिए यहाँ पे पी दिख रहा है, जी हाँ यहाँ पे पी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अभी इसमें कंफर्म नहीं है कि के का ऑपोजिट है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, कट। हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट लेटर को लिए, यहाँ पे कट का सी लेटर होगा, सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स होता है ना, एक्स कहीं पे, हाँ जी बिल्कुल है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट कोड जो है ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये कट जो है सी, सी का क्या होता है एक्स, तो मतलब एज इट इज वहां पे लिखा है। डब्ल्यू, डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या होता है डी, देखिए एज इट इज लिखा, मतलब नाइफ का कोड पीके होगा, कट का कोड एक्स ही होगा, नॉट का कोड पीपी होगा, और विद इन का कोड डीजे होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एस, एस का ऑपोजिट क्या होता है एच, देखिए पी, पी का ऑपोजिट क्या होता है के, सी, सी का ऑपोजिट क्या होता है एक्स, डब्ल्यू का ऑपोजिट क्या होता है डी, समझ में आ गया, मतलब सीरीज का कोड जो जो है वैसे ही एज इट इज लिखा गया है उस कोड में, ठीक है ना। चलो मिटाते हैं, चलो अब नेक्स्ट कोड, नेक्स्ट कोड कैसे आया है, क्या दिया हुआ है के। अच्छा तो मतलब इसी से कहीं से के आना चाहिए, अगर आप लोग बोले ये के यहाँ बिठा दो तो यहाँ पे तो कट एस ई आना चाहिए, वो तो है नहीं, ठीक है, तो के कैसे आएगा, अगर हम लोग देखें ई, ई के बाद के कितना में आता है, एफ जी एच आई जे के, मतलब प्लस छ में आना चाहिए, अगर आप वैसे देखें। फिर टी, टी प्लस सिक्स क्या होना चाहिए, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ए आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो ए ई है, तो मतलब वो नहीं होगा, तो मतलब लास्ट कोड से आंसर नहीं आना सकता, ठीक है। चलो एफ, एफ के कैसे आ सकते हैं, जी एच आई जे के, मतलब एफ से अगर के जाएंगे तो प्लस फाइव। सिमिलरली यू, यू के बाद ई, अच्छा चलो देखते हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड आना चाहिए इसमें, जेड नहीं है, मतलब सेकेंड से भी कोड नहीं आ पा रहा है, तो सेकेंड से भी कोड नहीं आ पाया। चलो आई देखते हैं, आई के बाद आई से के कैसे गया, आई से के कैसे गया, जे के प्लस टू, चलो ठीक है। सी, सी के बाद ई कैसे गया, प्लस टू, अच्छा तो मतलब थर्ड से आ रहा है, तो मतलब थर्ड लेटर से आ रहा है, चलो ठीक है, इसका थर्ड लेटर देखते हैं, एन, एन से प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा, ओ पी
पी दिख रहे क्या? जी हाँ, और यहाँ पे भी एच, एच प्लस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा? आई जे, जे दिख रहा है क्या? जी। तो सेकेंड कोट कैसे आया? थर्ड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड देन प्लस टू। तो यहां पे क्या किया हम लोग? थर्ड लास्ट लेटर जो है उसके साथ प्लस टू ऐड कर दिए, तो हम लोग का सेकेंड कोड आ जाएगा। चलो इसमें देखते हैं, एस ओ यू ये थर्ड लास्ट है, ओ के बाद क्यू होना चाहिए। जी हाँ क्यू है। एल, एल प्लस टू एन है। आई, आई प्लस टू के, डब्ल्यू प्लस टू वाई है। समझ में आ गया? तो पहला कोड भी आ गया, सेकेंड कोड भी आ गया। चलो निकालते हैं आई। आई का ऑपोजिट क्या है? क्योंकि पहला कोड क्या है? ऑपोजिट ऑफ लेटर। आई का ऑपोजिट क्या है? आर। और सेकेंड कैसे? थर्ड लास्ट डी। डी प्लस टू कितना हो जाएगा? एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर एफ। ठीक है, चलो सेकेंड क्या बोल रहा है? हेन। तो एच, एच का ऑपोजिट क्या हो जाएगा आप लोगों का? एस। और सेकेंड थर्ड लास्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड वही एच ही होगा। एच प्लस टू कितना होगा? जे। तो मतलब एस जे हो गया ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड वाला होमवर्क कर लीजिएगा घर पे, ठीक है, सेम ही है। चलो ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये आप लोग का लास्ट है, ठीक है। तो क्या बोल रहे? इन द मेंशन टेबल रिप्रेजेंट सम वर्ड्स एंड देयर कोड्स, द कोड अराइज इन सम पैटर्न। तो ठीक है, क्या बोल रहे? स्ट्रेंज, स्ट्रेन का कोड 72 दिया हुआ है, एफेट का कोड 25 दिया हुआ है, ड्रीम का कोड 29 दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? कॉलम ए बी सी डी, जी बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। सम न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम विच द कोड्स वेर आस्क्ड, यू हैव टू मार्क द कॉलम। मतलब कुछ हम लोगों को तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन में से कुछ जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल सोचिए इसका कोड 87 आया, फॉर एग्जाम्पल इसका कोड 87 है, तो 87 काम है बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फॉर एग्जाम्पल इसका कोड 49 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और सोचिए वेयरहाउस का कोड 10 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो वापस ए, क्योंकि ए 10 में, तो वापस ए। समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है। दिस वर्ड्स आर टू बी कोडेड इन द मेंशन, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या बोला? फाइंड द कोड ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द कोड ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। वही बोले, अगर लैपकैम का कोड 10 आया तो क्या होगा? आंसर ए होगा। कैमरा का भी 30 आया तो आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलो ठीक। अब मेन मुद्दा यह है कि आंसर निकालेंगे कैसे, आंसर निकालेंगे कैसे। चलो ठीक है, नीचे लिखते हैं क्या कोड दिया है? स्ट्रेंज का। कैसे क्या दिया हुआ है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का कोड कितना दिया हुआ है हम लोग के पास? 72। चलो ठीक है, चलो देखें। एस, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 20। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18। ए का प्लेस वैल्यू 1। एन का प्लेस वैल्यू 14। जी का प्लेस वैल्यू 7। ई का प्लेस वैल्यू 5। अच्छा ठीक है, चलो ऐड करके देखते हैं। तो सबको 19 प्लस 20 39, 18 प्लस 1 19, 14 प्लस 7 21 और 5, 9 9 18, 18 1 19, 19 और 5 24, 2 3 2 5 6 8 84, 84 कहीं पे है? नहीं है, नहीं है, तो मतलब ऐड से ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, चलो है ना। अच्छा अब चलो देखते हैं, अगर हम लोग कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दे, कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है? कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है?
एस आर एन टी जी, अच्छा कॉन्सोनेंट्स को अलग करते हैं तो क्या क्या है, एस टी आर एन जी। उसका कोड क्या क्या दिया हुआ है, 19, 20, 18, 14, 7। अच्छा इन सबको ऐड करते तो ऐड करो कितना है, 39, 18, 21, 10, 8, 18, 1, 4, 5, 6, 7 कितना है, 78। यहाँ पे 72। अब ए का और ई का कोड देखो तो क्योंकि वावल्स है, कितना है ए का और ई का कोड कितना है, 1+5 कितना है, 6, 6 अगर माइनस करते हैं 78 - 6, 72 देखिए आ गया। अच्छा तो कैसे आया, कैसे आया कॉन्सोनेंट्स को प्लस करेंगे, वावल्स को भी प्लस करेंगे, कॉन्सोनेंट से वावल्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो ठीक है दूसरा देख लेते हैं क्या है, इफेक्ट यहां पे लिख लेते हैं इफेक्ट, ठीक है यहां पे ई और ई हम लोग का वावल है तो ई का कोड कितना है, 5, दो ई है मतलब, दो ई मतलब 10। चलो एफ, एफ का कोड क्या होता है, 6, 6, सी का कोड 3, टी का कोड 20, ऐड करते हैं चलो 20, 3, 23, 23 और 12 कितना आ गया, 35 से वावल्स को माइनस करेंगे आंसर आ गया 25 है क्या, जी बिल्कुल है, तो अब तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है तो मेरे पास पहला कोड क्या है, लैप कैम, पहला कोड क्या है हम लोग के पास, लैप कैम। तो कॉन्सोनेंट्स अलग करेंगे तो एल, एल का कोड क्या है हम लोग के पास, 12। पी, पी का कोड क्या है हम लोग के पास, 16। सी का कोड क्या है हम लोग के पास, 3। एम का कोड क्या है हम लोग के पास, 13। ऐड करो चलो 12 और 16, 28, 3 और 13, 26, ऐड करेंगे कितना आएगा, 54। एक ए मतलब दो ए है, दो ए का कोड क्या है, 2 × 1 मतलब 2 होगा, दो क्या करेंगे माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 52। अब देखो 52 कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पे 52 होना चाहिए, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है यहाँ पे 52 होना चाहिए, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 52 होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है सिमिलरली कैमरा, सी का कोड क्या है, 3। ए का कोड क्या है, 1। एम का कोड क्या है, 13। ई का कोड क्या है, 5। आर का कोड क्या है, 18। ए का कोड क्या है, 1। तीन और 13, 16, 16 और 18, 34, 34 - 7, 27, 27 कहाँ पे दिख रहा है, ई में, तो हम लोग आंसर हो जाएगा ई। ठीक है तो ये बार आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, घर पे ट्राई कर लीजिएगा एक बार, वेयरहाउस का कोड क्या होगा। ठीक है तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा, तो ये था आप लोगों का क्या आज आप लोगों का था 4th क्लास
आज आप लोगों का था फोर्थ क्लास ऑफ किसका, कोडिंग और डिकोडिंग का, जो बेसिकली मेंस पे आधारित था, जो बेसिकली मेंस पे आधारित था। और इतना ही बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आता है मेंस पे, तो आप लोगों को डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।